वास्तुशास्त्र में घर के हर कोने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन किया जाए या उन नियमों का ध्यान में रखकर चीजें की जाए तो विशेष फलदायी होती है। खासकर से ड्राइंग रूम, बाथरूम, पूजा घर, किचन से जुड़े भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से हमारे जीवन की काफी हद तक की परेशानियां दूर हो जाती है। किचन में कौन कौन सा सामान कहाँ रखा जाता है ताकि घर को वास्तु दोष से बचाया जा सके, ये नियम भी वास्तु दोष में होता है। इसके साथ ही किचन में किस तरह के बर्तन में खाना बनाना या खाना रखना शुभ होता है, ये भी वास्तु शास्त्र में बताया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में खाना बनाने से लेकर खाना खाने के लिए कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे कौन से बर्तन हैं जो हमारे घर में वास्तु दोष लेकर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे बर्तनों में खाना खाने से घर में दरिद्रता आती है, घर में कलेश होता है। तो दोस्तों, घर में कभी भी ऐसे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि खराब हो गए हों। ध्यान रखें कि जिन बर्तनों में आप खाना खा रहे हो वो बिल्कुल साफ और शुद्ध हो, क्योंकि झूठे बर्तनों में खाना बनाना या खाना खाने से कभी भी लक्ष्मी खुश नहीं होती और आपके घर से बरकत चली जाती है। दूसरा आता है टूटे हुए बर्तनों में भोजन बनाना। दोस्तों, टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे अशुद्ध माना गया है। किसी भी बर्तन में यदि चीर का निशान भी पड़ जाए या कोई स्क्रैच आ जाए तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। एल्युमिनियम के बने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ना करें, ऐसे करने से घर से लक्ष्मी दूर हो जाती है। इसी वजह से आप स्टील के कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बर्तन केवल ना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं बल्कि आपके घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ यदि आप अपने घर में हमेशा लक्ष्मी का वास और समृद्धि चाहते हैं तो पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। पीतल के अलावा कांसे के बर्तनों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन बर्तनों में बहुत देर तक भोजन ना रखें। इसके साथ भोजन करने के बाद भूलकर भी अपनी थाली में हाथ ना धोएं। इतना ही नहीं, झूठी थाली को कभी भी गैस टेबल या पलंग के टेबल के नीचे ना रखें, ये सभी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो बर्तनों से जुड़े वास्तु दोष जो आपके घर में कलेश लेकर आते हैं।